आज हम वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाइन पढ़ेंगे। तो वुडवर्ड फिशर रूल में हम लोग को लैम्ब्डा मैक्स निकालना रहता है, कोई भी कंपाउंड दिया रहता है। तो पहले हम टेबल देखते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल में पेरेंट पेरेंट में दो टाइप होते हैं, एक होमो एनुलर डाइन और एक हेट्रो एनुलर डाइन। तो होमो एनुलर डाइन का लैम्ब्डा 253 नैनोमीटर और हेट्रो एनुलर डाइन का लैम्ब्डा 214 नैनोमीटर होता है। और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट में देखते हैं, इंक्रीमेंट में डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन रहेगा तो 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे हम, और हेट्रो एनुलर भी 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू रहेगा तो हम 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे और 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे हेट्रो एनुलर में। हेक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन होमो एनुलर हम 5 ऐड करेंगे और इन हेट्रो एनुलर हम 5 ऐड करेंगे। और हम अब पोलर ग्रुपिंग देखते हैं। पोलर ग्रुपिंग में ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसे हम ओ ए सी भी बोलते हैं। और जब ये ग्रुप रहेगा तो हम 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे, 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे। और जब ओ आर ग्रुप रहेगा तो हम 6 नैनोमीटर इन होमो एनुलर ऐड करेंगे और 6 नैनोमीटर इन हेट्रो एनुलर ऐड करेंगे। और जब क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हैलोजन है, जब ये हैलोजन रहेंगे तो हम 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे और 5 नैनोमीटर इन हेट्रो एनुलर ऐड करेंगे। और जब एन आर टू ये ग्रुप रहेगा तो हम 60 नैनोमीटर ऐड करेंगे इन होमो एनुलर और 60 नैनोमीटर इन हेट्रो एनुलर। अब हम ये टेबल देख लिए, अब हम ये देखते हैं इस वर्ड्स के इस डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड क्या होते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू क्या होते हैं, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं। ये सब हम एक देख लेते हैं कैसा क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, पेरेंट पेरेंट मतलब पेरेंट पेरेंट डाइन बोला है। डाइन मतलब सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये डाइन है। अब इधर क्या बोला है, होमो एनुलर डाइन और हेट्रो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेशन में रहेंगे। देखो ये रिंग के अंदर है, सेम रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, इसलिए इसलिए हम लोग ने बोला इसको होमो एनुलर डाइन। और हेट्रो एनुलर डाइन मतलब डबल बॉन्ड रहेंगे, दो डबल बॉन्ड रहेंगे बट वो एक डबल बॉन्ड एक रिंग में रहेगा और दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में रहेगा, इसलिए हम हेट्रो एनुलर डाइन बोलते हैं। होमो मतलब सेम रिंग में दो डबल बॉन्ड, और हेट्रो मतलब दो डबल रहेंगे पर वो एक एक डबल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट रिंग में रहेंगे। तो ये हेट्रो एनुलर हो गया, ये हेमो एनुलर हो गया। होमो एनुलर, होमो एनुलर का लैम्ब्डा हम 253 नैनोमीटर लेते हैं और हेट्रो एनुलर का लैम्ब्डा 214 नैनोमीटर लेते हैं। अभी हम इंक्रीमेंट देखते हैं। इंक्रीमेंट में क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अभी आपको पता है ये डाइन है, ये डाइन है, और इसी को समझो कोई रिंग लगाए। अभी डाइन है, ये अपना पेरेंट हो गया, और इसी को एक कोई कॉन्जुगेशन लगा रहेगा, समझ लो मैं इधर पकड़ लेता हूँ। तो ये कैसे, ये डाइन पेरेंट हो गए और ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आया, और ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है और ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में, ये पेरेंट के कॉन्जुगेशन में, देखो ये पेरेंट के कॉन्जुगेशन में आता है, तो इसे हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, और समझ लो एक और आ गया, तो ये अपना पेरेंट है डाइन।
तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड कितना है, एक दो, हाँ, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मतलब अपना पेरेंट डाइन होते हैं और उस वो डाइन से भी और डबल बॉन्ड आ गए और जो कि कॉन्जुगेशन में रहेंगे, तो वो अपना एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड होता है जो एक्सटेंड किया रहता है आगे कॉन्जुगेशन में, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड किया है आगे के कॉन्जुगेशन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। और जब ये चीज़ आपको दिखाई देगा मॉलिक्यूल्स में, तो आपको 30 नैनोमीटर ऐड करने के होमो एनुलर में, और हेट्रो एनुलर भी ऐड रहेगा। अब इनको ये हेट्रो एनुलर है, ये हेट्रो एनुलर में डाइन है, ये डाइन है पेरेंट है, और मैं इसको समझो एक और रिंग बना दिया और मैं ऐसा लिख दिया ये, अब ये डाइन है और एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गए, तो मतलब अभी ये क्या है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। मतलब देखो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है और ये एक्सटेंडेड है, मतलब ये डबल पेरेंट को एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो गया, तो ये अपना एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है ये, तो हम इसमें भी ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन समझ में आ गया कि जब भी अपने पेरेंट को, पेरेंट मतलब डाइन, उस डाइन को छोड़ के और डबल बॉन्ड आ रहा है और वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो हम उसको डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पकड़ने का, और वो उधर हम 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अभी आप देख रहे हैं दूसरा क्या है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू। अभी ये डबल बॉन्ड है, ये अपना पेरेंट है, समझ, मैं एक और बना देता हूँ, समझ लो। अभी मैंने बना दिया, ये होमो एनुलर हो गया, सेम रिंग में दो डबल बॉन्ड, होमो एनुलर हो गया, और ये डाइन अपना कॉन्जुगेशन में है। जब ये डाइन कॉन्जुगेशन में, और ये डाइन कॉन्जुगेशन में है, देखो ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये अपना डाइन कॉन्जुगेशन में, डार्क कर रहा हूँ, देखो ये कॉन्जुगेशन में, और इस कॉन्जुगेशन के डाइन को जो 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 बॉन्ड ज्वाइंट है, देखो ये बॉन्ड ज्वाइंट है, ये भी बॉन्ड ज्वाइंट है, ये भी बॉन्ड ज्वाइंट है, ये भी बॉन्ड ज्वाइंट है, ये अपना रिंग रेसिड्यू हो गया। मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन को, ये अपने डाइन है जो कॉन्जुगेटेड है, इस पेरेंट डाइन को जो अटैच है, जो जो बॉन्ड अटैच है, ये वाला बॉन्ड अटैच है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये अपना क्या हो गया, रिंग रेसिड्यू हो गया। और ये रिंग रेसिड्यू समझ में आ गया कि अपने पेरेंट डाइन को डबल पेरेंट डाइन को अब कोई भी बॉन्ड ज्वाइंट रहेगा, जो ये बॉन्ड ज्वाइंट है, तो उसको रिंग रेसिड्यू बोलते हैं। और एक और एग्जांपल तुमको दे देता हूँ, अभी एक और बना देता हूँ ये लोग को। ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड ले लो। अभी देखो ये देखो कितना है अपना, अपना डाइन क्या है, अपना डाइन देखो, डाइन मतलब दो डबल बॉन्ड, हाँ ये दो डबल बॉन्ड है, समझ, ये दो डबल बॉन्ड पकड़ लिए, ये दो डबल बॉन्ड क्या है, हेट्रो एनुलर है, और ये दो डबल बॉन्ड क्या है, होमो एनुलर है, और ये दो हेट्रो एनुलर है, तो अभी ये कॉन्जुगेशन में है, ये इसमें हम ये डबल बॉन्ड को ये, और इसमें एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये दो डबल बॉन्ड हेट्रो एनुलर है और ये दो डबल बॉन्ड हेट्रो एनुलर है और ये दो डबल बॉन्ड होमो एनुलर है, तो हम होमो एनुलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि होमो एनुलर डाइन का लैम्डा मैक्स ज़्यादा है, तो हम इसे इसे अपना पेरेंट, इसको पेरेंट पकड़ेंगे, ये अपना पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये अपना पेरेंट हो गया, तो हम इसको होमो एनुलर पकड़ेंगे, और होमो एनुलर का लैम्डा मैक्स ज़्यादा होता है। कितना 253 होता है, और हेट्रो का 214 होता है, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो हेट्रो का 214 होता है, इसलिए हम लोग इसको होमो वाला पकड़ते हैं जो कि 253 नैनोमीटर है। इसलिए अभी आप देख रहे हैं, देखो ये बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो हम अभी सोचेंगे कौन सा ले, ये साइड का ले और ये साइड का ले, अभी इसमें देखो सिमेट्री आ रहा है, देखो अगर हम ये पकड़े, ये पेरेंट, और हम लोग इस साइड का पकड़े, इस साइड का पकड़े ही नहीं, इस साइड का हम निगलेक्ट कर दिए, तो
तो भी सेम आंसर आएगा अपना जो अपन निकालेंगे। और अगर हम इस साइड का निगलेक्ट कर देंगे और इस साइड का पकड़ेंगे तो अपना भी सेम आंसर है, ये सिमेट्री। अगर अगर मैं इसी में ऐसा बाहर डाल दूँ डबल बॉन्ड, तो अब कैसा हो गया, ये अपना पेरेंट डाइन है, ये होमोजेनोस डाइन है। और देखो इधर दो बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो हम इस साइड का कैलकुलेट करेंगे ना कि इस साइड का, क्योंकि इस साइड का अपन कैलकुलेट करेंगे ना तो ये कम है, इसका वैल्यू कम आएगा, और जब हम इस साइड का कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू लैम्बडा मैक्स ज़्यादा आएगा, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। अभी आपको रिंग रेसिड्यू बनने बता चुका है, अभी हम उनको ऑफिस से एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। देखो डबल बॉन्ड, देखो देखो ये डबल बॉन्ड क्या है, होमोजेनोस है, ये हेट्रो एनोनर है। तो हमने क्या बोला है कि होमोजेनोस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये अपना पेरेंट है, ये पेरेंट हो गया, और ये अपना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये ऐसा डार्क लाइन कर दिया अपने। हाँ अब ये कॉन्जुगेशन में जो जो बॉन्ड अटैच है वो अपना रिंग रेसिड्यू हो गया। ये है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, तो इधर कितना रिंग रेसिड्यू कितना है, इधर चार रिंग रेसिड्यू। और इस बॉन्ड को अभी आप दिख रहे, ये जो ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन में कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा, जैसे CH3 पकड़ लो और कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी, देखो ये CH3, ये CH3 है, ये अल्काइल ग्रुप है, और ये कोई भी अल्काइल ग्रुप पकड़ लो, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है ये कॉन्जुगेशन में, इस कॉन्जुगेशन में अटैच है, तो हम उधर तो इसको हम 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। इस कॉन्जुगेशन में अल्काइल ग्रुप अटैच है ये CH3, तो हम इसे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और ये कॉन्जुगेशन में जो बॉन्ड जॉइंट है, देखो ये बॉन्ड जॉइंट है ये, तो इसको हम रिंग रेसिड्यू बोलते हैं। रिंग रेसिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अभी ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी रिंग, ये रिंग है, ये रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। कोई भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो, कोई भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो, इसको हम एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अभी ये जितने भी ये ग्रुप है, ये पोलर ग्रुपिंग, ये जितने भी ग्रुप है, ये ग्रुप कोई भी रिंग के ये कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन के डाइन में, देखो ये डाइन सब कॉन्जुगेशन के डाइन में, इसको इस पे अटैच रहेंगे तो ही हम कैलकुलेट करेंगे ये पोलर ग्रुपिंग। ये कॉन्जुगेशन में रहेंगे, ये डाइन कॉन्जुगेशन के डाइन पे किधर भी अटैच रहेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर अगर यही पोलर ग्रुप इधर अटैच रहते तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कॉन्जुगेशन में जो जॉइंट रहते हैं, अटैच रहते हैं, हम उसी को कंसिडर करते हैं पोलर ग्रुप, तो उसका हम कैलकुल ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। और अगर अगर ये डाइन ये कॉन्जुगेशन में अटैच नहीं रहेंगे, कॉन्जुगेशन के बाहर अटैच रहेंगे, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे और उसको ऐड भी नहीं करेंगे। ये हो गया, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो अभी ये स्ट्रक्चर है, इसमें पहले हम देखेंगे क्या है, पेरेंट देखेंगे, पेरेंट कौन सा है, होमो एनुलर हेट्रो एनुलर। होमो मतलब दो डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में रहेंगे और सेम रिंग में रहेंगे, तो वो होमो होता है। और हेट्रो एनुलर क्या होएगा, दो डबल बॉन्ड बल्कि कॉन्जुगेशन में रहेंगे वो भी, और वो एक रिंग में एक डबल बॉन्ड रहेगा और दूसरे रिंग में दूसरा डबल बॉन्ड रहेगा। तो अभी आप इसमें देखेंगे ये कौन सा है, ये कौन सा डबल बॉन्ड है, ये हेट्रो है, हेट्रो एनुलर है। तो हम हेट्रो एनुलर का वैल्यू क्या है, 214 नैनोमीटर, तो हम लिखेंगे 214 नैनोमीटर। अभी हम इसमें देखेंगे कि इंक्रीमेंट क्या है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अभी देखो ये अपना पेरेंट डाइन है, ये अपना पेरेंट डाइन है, और इसको छोड़ के और एक डबल बॉन्ड है क्या कॉन्जुगेशन में, नहीं है, तो हम डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम जीरो ऐड करेंगे।
क्योंकि नहीं है, जब रहता तो हम 30 नैनोमीटर ऐड करते, अब है ही नहीं तो 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होएगा। अभी देखो अल्काइल सब्सिडुएंट और रिंग रेसिड्यू, अभी इसमें अल्काइल सब्सिडुएंट तो दिख रहा है, अभी इसमें ये अपना ये रिंग है जो कॉन्जुगेशन में है, इसमें कोई अल्काइल सब्सिडुएंट लगाया हुआ है? नहीं ना, नहीं लगा हुआ है, तो अल्काइल सब्सिडुएंट अपना नहीं है। और रिंग रेसिड्यू देखो, हाँ ये कॉन्जुगेशन डाइन पे जो बॉन्ड अटैच रहते वो अपना रिंग रेसिड्यू रहते हैं। देखो ये वाला अटैच है, ये वाला अटैच है और ये वाला अटैच है, मतलब 3 रिंग रेसिड्यू है, और एक रिंग रेसिड्यू को हम कितना 5 ऐड करते हैं, तो कितना हो गया रिंग रेसिड्यू को कितना 5 ऐड करते हैं, और कितने 3 रिंग रेसिड्यू, तो अपना कितना हो गया 15 नैनोमीटर। अब देखो एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं, कोई भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड रिंग है। देखो अभी मैं ये ए पकड़ता हूँ और ये बी पकड़ता हूँ, अब ये बी रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। और ये ए रिंग को बाहर एक डबल बॉन्ड है, आप देख सकते, आपको मैं दिखा सकता हूँ इधर, ये ए रिंग है और जस्ट इसके बाहर एक डबल बॉन्ड है। जब भी कोई भी कंपाउंड में ऐसा सिस्टम आए तो अपना समझ जाने का ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हम 5 ऐड करते हैं, तो ए रिंग हैव ए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना 5। अब कोई भी पोलर ग्रुप है इसमें से? कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है अटैच, कोई भी पोलर ग्रुप ये डाइन को अटैच है जो पेरेंट को, जो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो हम उसे नहीं ऐड करेंगे। ये पोलर ग्रुप का 0 नैनोमीटर। अभी आप टोटल करेंगे, 214 प्लस 15, 229 प्लस 5, 234 नैनोमीटर, ये इसका लैम्ब्डा मैक्स हो गया ये कंपाउंड का। अभी हम ये दूसरे कंपाउंड का देखते हैं, ये कंपाउंड, ये भी देखो होमोन्युलर है? नहीं, हेट्रोन्युलर है, हाँ ये हेट्रो है, इसका कितना है हेट्रोन्युलर का 214 नैनोमीटर। अब इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, अपना ये पेरेंट क्या है डाइन है, इसको छोड़ के और कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है अपना, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो अपना इधर क्या 0 नैनोमीटर। अब इसके बाद हम रिंग रेसिड्यू देखेंगे और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ये अपना पेरेंट है को जो कॉन्जुगेशन में डाइन, इसमें कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? नहीं अटैच है। और अपना रिंग रेसिड्यू देखो, हाँ देखो ये एक रिंग रेसिड्यू अटैच है, ये एक रिंग रेसिड्यू अटैच है और ये एक रिंग रेसिड्यू अटैच है, अपने पेरेंट मतलब डाइन को कोई भी बॉन्ड अटैच होगा तो वो अपना रिंग रेसिड्यू होता है। देखो तो ये अटैच है, ये अटैच, 1 2 3 मतलब 3 रिंग रेसिड्यू कितना है 3, तो 5 × 3 कितना 15 नैनोमीटर। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब कोई भी रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड लगा, जैसा ये ए रिंग हुआ, ये बी रिंग हुआ, अब ये ए रिंग, ये ए रिंग देखो ये सिस्टम दिख रहा है, ये सिस्टम दिख रहा है इस रिंग में? हाँ दिख रहा है। देखो ये ए रिंग को डबल बॉन्ड है और ये बी रिंग को डबल बॉन्ड बाहर नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है एक है, 5 ऐड करेंगे। और इसमें देखो कोई भी पोलर ग्रुप है इसमें? पोलर ग्रुप अटैच है ये पेरेंट डाइन में? हाँ अटैच है, देखो ये कॉन्जुगेशन में है अपना डाइन, ये पेरेंट है मेला, और देखो इधर अटैच है अपना, ये कौन सा है? ये ओ आर है, ये ओ ये आर है, मतलब आप देख सकते इधर ओ आर, जब ओ आर पोलर ग्रुपिंग है तो उसका क्या ह्यूमन अंदर में कितना 6 नैनोमीटर और हेट्रो अंदर में कितना 6 नैनोमीटर, और ये अपना हेट्रो अंदर है, तो अपने इधर जैसे कि आपने इसका पार्ट वन देखा है, तुम पार्ट वन में इसका रह गया था, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि पोलर ग्रुपिंग था इसमें ओ CH2 CH3, ये अपना ओ आर ग्रुप है, तो इस ओ आर ग्रुप में हम 6 नैनोमीटर ऐड करते हैं, तो जब इसका आप टोटल करोगे तो इसका लैम्ब्डा मैक्स अपना 240 आएगा नैनोमीटर। हाँ तो मैंने वो वीडियो में डायरेक्ट उसे प्रिंटेड कर दिया था 240 नैनोमीटर। और अब अभी आप नेक्स्ट देखते हैं, तो इधर डाइन देखिए,
ये जो ये दो डबल बॉन्ड हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, तो हम इसे, ये डाइन है, तो अपना ये पेरेंट हो गया, ये डाइन हो गया ये, और ये आगे कॉन्जुगेशन में आगे तक, क्योंकि एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है इसमें। हाँ तो अभी ये क्या है, हेट्रो एनुलर है, हेट्रो एनुलर में कितना लेते, 214 नैनोमीटर। फिर अभी आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या लेते हैं हम लोग, कि एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। देखो ये दो डबल बॉन्ड था अपना पेरेंट डाइन, ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक है, तो हम 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं, और इसके बाद हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू देखते हैं। अभी ये कॉन्जुगेशन डाइन में कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच नहीं है, और तो फिर बचा क्या, रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू मैंने बताया था कि ये कॉन्जुगेशन डाइन में कोई भी बॉन्ड अटैच हो तो वो अपना रिंग रेसिड्यू होता है। ये एक अटैच है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, पाँच हो गए, तो रिंग रेसिड्यू कितना है, रिंग रेसिड्यू पाँच है, तो 5 × 5 = 25 नैनोमीटर। और आप देख सकते हैं इसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब कोई भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा, तो आप ये देख सकते हैं ए बी सी डी, ये डी बॉन्ड को, ये डी बॉन्ड दिख रहा है, ये अपना डी रिंग दिख रहा है, डी रिंग, मैंने रिंग को ए रिंग दिया, दो बी रिंग दिया, सी रिंग दिया, थ्री रिंग नेम कर दिया। अभी आप देख सकते हैं जो डी रिंग है उसको एक, ये रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब डी रिंग हैव ए वन एक्सोसाइक्लिक, डी रिंग को एक बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। हाँ ये एक हो गया, और आप देख सकते हैं कि बी रिंग अपना सी रिंग को कोई बाहर डबल बॉन्ड है नहीं है। हाँ अभी आप देख सकते हैं बी रिंग है, बी रिंग को बाहर एक डबल बॉन्ड है, तो ये दूसरा हो गया, और आप देख सकते हैं ये बी रिंग को ए साइड भी डबल बॉन्ड है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये देखो, ये 5 मेंबर रिंग वाला, ये 5 मेंबर रिंग वाला डबल बॉन्ड एक हो गया, एक एक एक्सोसाइक्लिक, और ये देखो अभी ये बी रिंग है, ये बी रिंग है, इधर एक डबल बॉन्ड हो गया, इधर एक डबल बॉन्ड हो गया। हाँ तो अभी कितना, एक एक्सोसाइक्लिक है, दो एक्सोसाइक्लिक, तीन एक्सोसाइक्लिक, ये तीन हो गया, और आप देख सकते हैं एक को बाहर है, एक ए रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है नहीं है, मतलब इधर तीन एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, तीन है, तो हम एक को 5 देते, तो 3 × 5 कितना होएगा, 15 होएगा नैनोमीटर। अभी आप इसके आगे देख सकते हैं कोई भी पोलर ग्रुप इसको अटैच है नहीं अटैच है, तो पोलर ग्रुप अटैच नहीं है, तो हम 0 नैनोमीटर। अभी आप इसका टोटल करोगे तो उसका लैम्डा मैक्स कितना है, 20 15 25, ये हो गया 40, 40 + 30 ये हो गया 70, 70 हो गया 284 नैनोमीटर, ये इसका लैम्डा मैक्स है। आप इसको टोटल कर लो तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। अभी आप दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप ये है होमन एनुलर डबल बॉन्ड, क्योंकि एक सिंगल रिंग में दो डबल बॉन्ड है, तो ये होमो एनुलर हो गया, होमो एनुलर कितना हो गया, ये 253 नैनोमीटर है होमो एनुलर का वैल्यू। अभी आप इसके बाद नेक्स्ट क्या देंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, ये डाइन के सिवा और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड 0 नैनोमीटर नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे। और इसके बाद आप देखने का रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू, हाँ देखो 1 2 3, देखो ये रिंग रेसिड्यू है, ये भी रिंग रेसिड्यू, ये भी रिंग्स नहीं, क्योंकि डाइन को, डाइन जो कॉन्जुगेशन में उसको भी कोई भी बॉन्ड ज्वाइंट होता है, अटैच होता है, तो अपना रिंग रेसिड्यू होता है। अभी ये रिंग रेसिड्यू कितना है, ये रिंग रेसिड्यू 3 है, और अपना वैल्यू के एक पर रिंग रेसिड्यू इज 5, देन द मल्टीप्लाई 5 / 3 यू गेट अ 50 नैनोमीटर। ओके आपको 15 नैनोमीटर मिल जा रहे हैं। अभी आप इसके बाद, अभी ये देखिए ये डाइन है, इस डाइन को ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इधर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक अटैच है, मैंने बताया था कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट
कोई भी अटैच हो, कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और तो उसको फाइव वैल्यू देते हैं। तो इधर एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर हम फाइव वैल्यू ऐड करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कोई भी पोलर ग्रुपिंग है, पोलर ग्रुपिंग है नहीं है, पोलर ग्रुपिंग भी नहीं है, पोलर ग्रुपिंग अपन लास्ट में देखते हैं। पोलर ग्रुपिंग कोई भी नहीं है तो 0 नैनोमीटर। अभी इधर बीच का एक रहेगा अपना, क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अभी मैं इसको ए रिंग देता हूँ, ये बी रिंग और सी रिंग नेम करता हूँ। तो ए रिंग को बाहर कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, आप देख रहे हैं। बी रिंग को कोई डबल बॉन्ड है, देखो ये बी रिंग है, ये बाहर डबल बॉन्ड है। तो आप कह सकते हो कि ये डबल बॉन्ड है ये बी रिंग के। तो आप ये बी रिंग है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बी रिंग को है, तो आप 5 नैनोमीटर ऐड कर सकते हो। जब इसको तो आप अभी सब सारे वैल्यूज हम लोग लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग गए हैं। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करिए, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 15 25, और 25 प्लस ये 253, 278 नैनोमीटर, ये आपका लैम्ब्डा मैक्स हो गया। समझ गया। अभी आप कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है उसमें। आप इसमें देखिए, ये भी होमो एनुलर है, होमो एनुलर कितना है, 253 नैनोमीटर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इंक्रीमेंट में देखते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है नहीं है, ये डाइन के सिवा कोई और डबल बॉन्ड है नहीं है, तो हम 0 ऐड करते हैं। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हम 0 ऐड करते हैं, नैनोमीटर। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है इस डबल बॉन्ड को नहीं है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और क्या देखते हैं, रिंग रेसिड्यू देखते हैं, रिंग रेसिड्यू हाँ है। देखो मैंने क्या बताया था, रिंग रेसिड्यू अगर कोई भी डबल बॉन्ड अपना डाइन पेरेंट है, उस पेरेंट को कोई भी बॉन्ड अटैच है। देखो ये डाइन है अपना पेरेंट कॉन्जुगेशन में, जो इस डाइन को पेरेंट को कोई भी डबल बॉन्ड अटैच है, देखिए आप ये अटैच है, तो आप कितना है, 4 है, तो 4 4 × 5 कितना, 20 नैनोमीटर, 4 रिंग रेसिड्यू, 4 × 5 पर रिंग रेसिड्यू 5 लेते हैं हम लोग, तो 5 वैल्यू है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 4 × 5 20 नैनोमीटर। और इसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप रिंग को ए रिंग बोलिए, बी रिंग बोलिए, सी रिंग बोलिए, डी रिंग बोलिए। अभी आप देख सकते हैं कि बी रिंग को कोई बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, बट सी रिंग को बाहर एक सी रिंग है, सी रिंग को एक डबल बॉन्ड बाहर है, ये एक हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और आप देख सकते हैं ये ए रिंग है, ये ए रिंग, इसको बाहर एक डबल बॉन्ड है, तो ये ए रिंग भी एक्सोसाइक्लिक हो गया। मतलब इधर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, 2 है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है, 2 है। अपना पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम 5 लेते तो अब कितना हो गया, 2 × 5, 2 × 5 कितना होता है, 10 नैनोमीटर। अब इसमें देखते हैं आप कोई भी ग्रुप अटैच है, इसमें पोलर ग्रुप नहीं, कोई भी पोलर ग्रुप अटैच नहीं है, तो हम 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अब इसको आप टोटल करोगे तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना है, 10 20 30 हो गया, 30 प्लस 253, 283 नैनोमीटर, ये आपका हो गया टोटल। अभी आप नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड, ये अपना डाइन हो गया, और ये आप देख सकते हैं ये होमो नहीं, ये हेट्रो है, क्योंकि एक रिंग के अंदर एक रिंग के बाहर है, तो ये हेट्रो है। हेट्रो एनुलर कितना है, 214 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, इंक्रीमेंट में डबल एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये डाइन के सिवा कोई और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है नहीं है, तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे आप। उसके बाद रिंग रेसिड्यू देखेंगे, हाँ देखो ये एक रिंग रेसिड्यू, ये दो रिंग रेसिड्यू, इधर दो रिंग रेसिड्यू है, रिंग रेसिड्यू है कितना, 2 है, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देखो ये इसमें ये डाइन में कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये अपने नहीं है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और उसके बाद आप देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये ए रिंग है, ये ए रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कितना, 1 है, तो 5 ऐड करेंगे नैनोमीटर, नैनोमीटर। और उसके बाद आप पोलर ग्रुपिंग, कोई भी ग्रुप अटैच है ये डाइन को नहीं, कोई पोलर ग्रुपिंग अटैच नहीं है, तो हम 0 ऐड करेंगे नैनोमीटर। अब इसका टोटल करोगे कितना, 5 प्लस 10 15 हो गया, 15 प्लस ये 214, 2 2 9 नैनोमीटर, ये आपका लैम्ब्डा मैक्स हो गया।
ये मॉलिक्यूल का। अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेम हियर, एक डाइन है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग में, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में, मतलब ये हेट्रो है, हेट्रो एनुलर है। कितना? 214 नैनोमीटर। और इसके बाद हम लोग तो इंक्रीमेंट में देखते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम 0 ऐड करेंगे। इसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जीरो नैनोमीटर। अभी रिंग रेसिड्यू देखेंगे, रिंग रेसिड्यू है, हाँ है, 1 2 3, तीन रिंग रेसिड्यू है, 5 × 3 क्या है, 15 नैनोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ए बी रिंग मैंने नेम कर दिया है, ए रिंग को एक डबल बॉन्ड बाहर है, बी रिंग को डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ए रिंग को एक डबल बॉन्ड है, मतलब इस मॉलिक्यूल में एक ही है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ए रिंग को एक डबल बॉन्ड है, मतलब 5 नैनोमीटर, बी रिंग को नहीं दिख रहा है। आप देखो बी रिंग इसके बाहर डबल बॉन्ड है, नहीं है, बट ए रिंग को बाहर डबल बॉन्ड जॉइंट है, देखो। हाँ, फिर अभी आप देखेंगे पोलर ग्रुपिंग, पोलर ग्रुपिंग में देखो ये ओ ए सी है, ओ ए सी, हाँ पोलर ग्रुपिंग है, पोलर पोलर ग्रुपिंग है। अब पोलर ग्रुपिंग में वैल्यू में देखो, होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर में पोलर ग्रुपिंग के वैल्यू में देखो 0 नैनोमीटर ऐड करने को बोला है, तो 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे। उसके बाद आप टोटल करोगे, 5 + 15 कितना, 20 हुआ, 20 + ये 2, 3, 4 हुआ लैम्बडा मैक्स, ये इस मॉलिक्यूल्स का लैम्बडा मैक्स हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, सेम डबल बॉन्ड इन सेम रिंग, मतलब होमो हो गया, होमो एनुलर, वैल्यू 253 नैनोमीटर, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, 0 नैनोमीटर, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, रिंग रेसिड्यू हाँ है, 1 2 3 4, चार रिंग रेसिड्यू है, रिंग रेसिड्यू 4 है, मतलब 4 × 5 कितना, 20 नैनोमीटर। इसके बाद आप देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये ए रिंग, ये बी रिंग, सी रिंग, आप जब भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकालोगे तो रिंग को पहले नेम कर दिया करो, उसके बाद आप देखिए ए रिंग को बाहर डबल बॉन्ड है, हाँ है, एक हो गया, बी रिंग को बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, ना इस साइड है ना इस साइड है, सी रिंग को एक डबल बॉन्ड बाहर है, मतलब 2 एक्सोसाइक्लिक हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2, मतलब 5 × 2 पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम 5 लेते, 5 है, सो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को 10 नैनोमीटर हो गया, 5 × 2 10 नैनोमीटर। उसके बाद पोलर ग्रुपिंग है, नहीं है, कोई भी पोलर ग्रुपिंग नहीं है इस डाइन को अटैच, सो पोलर ग्रुपिंग 0 नैनोमीटर। आप टोटल करिए, 10 + 20 = 30 हो गया, और ये +253 = 283 नैनोमीटर, इस मॉलिक्यूल्स का लैम्बडा मैक्स। अभी हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन है 273 नैनोमीटर, ये तीन स्ट्रक्चर दिए हैं, इसमें से कौन सा है फाइंड आउट करने का है, तो हम सबका सॉल्व करेंगे। तो ये होमो एनुलर है, इसका 253 नैनोमीटर, और इसके बाद इंक्रीमेंट में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, जो कौन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो 0 नैनोमीटर। और उसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, रिंग रेसिड्यू है, 1 2 3 4 रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू है, कितना, 4 है, 4 × 5 20, रिंग रेसिड्यू 4 है, 4 × 5 20 नैनोमीटर। और उसके बाद देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो 0 नैनोमीटर। उसके बाद पोलर कोई ग्रुप है, पोलर ग्रुपिंग कोई नहीं है, तो पोलर ग्रुपिंग भी नहीं है, तो 0 नैनोमीटर। आप इसका टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, 273 नैनोमीटर, ये लैम्बडा मैक्स हो गया, इधर आपको वैल्यू मिल गई है। अभी देखो इसमें क्या पूछा था, ऑब्जर्वेशन है 273 नैनोमीटर ये है,
ये मिल गया। अभी आप रिमेनिंग का भी देख सकते हैं, अभी कंफर्म हो सकता है आपके ये शायद यही आंसर है, बाकी लोग का नहीं मिल सकता। देखते हैं हम लोग, तो ये हेटेरो एनुलर है कि एक डबल बॉन्ड बाहर एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड बाहर है, तो हेटेरो है, हेटेरो एनुलर। तो कितना 214 नैनोमीटर। इसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो 0 नैनोमीटर। तो रिंग रेसिड्यू हाँ है, 1 2 3 4, चार रिंग रेसिड्यू है, 4 × 5 20 नैनोमीटर। उसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक ये एक्सोसाइक्लिक है। तो अभी देखो इसमें इसमें कन्फ्यूजन मत होना, मैं लिख देता हूँ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखो ये रिंग के बाहर है, ये ए रिंग के बाहर है, तो 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। उसके बाद कोई भी पोलर ग्रुपिंग नहीं है इसमें, तो फिर इसको टोटल करेंगे कितना हो गया, 25 हो गया, 25 + 214 9 2 3 और 2, लैम्बडा मैक्स 239 हो गया इसका। तो ये अपना इसका वैल्यू देखो नहीं है, फिर हम इसका सॉल्व करेंगे। ये होमो एनुलर है क्योंकि डबल बॉन्ड इन सेम रिंग है, तो 253 नैनोमीटर। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो 0 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू है एक दो, हाँ रिंग रेसिड्यू एक है, दो है रिंग रेसिड्यू, तो दो है मतलब 10 नैनोमीटर, 2 × 5 10 नैनोमीटर। और ये अपना होगा ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 5 नैनोमीटर। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ही नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 0 नैनोमीटर नहीं है। उसके बाद पोलर ग्रुपिंग भी नहीं है, 0 नैनोमीटर। अभी आप इसको ऐड करोगे, 5 + 10 = 15, 15 + ये 253, 15 8 6 2, ये इसका लैम्बडा मैक्स है। और आपको पूछा क्या गया था, एब्जॉर्प्शन है 273, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अपना है, ये वाला नहीं है। इसका आंसर ये है, सेम आप ये सेम क्वेश्चन दिया है, एब्जॉर्प्शन एट 303 नैनोमीटर, सेम। देखो अभी ये हेटेरो एनुलर है क्योंकि एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड बाहर है, तो हेटेरो है, हेटेरो एनुलर 214 नैनोमीटर। अभी एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, देखो अगर मैं इसे पेरेंट मानता हूँ हेटेरो एनुलर, और देखो ये एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो कितना है, हम 30 ऐड करते हैं। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि रिंग रिंग रेसिड्यू हाँ है, देखो ये एक है, 2 3 4, ये कॉन्जुगेशन डाई, इनको जो बॉन्ड अटैच रहता है वो रिंग रेसिड्यू, तो ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, कितना 1 2 3 4, रिंग रेसिड्यू कितना 4 है, तो 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। अभी आप इसके बाद देखेंगे कि रिंग रेसिड्यू हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हाँ, ये रिंग को ये ए इस रिंग को डोनेट करेंगे, नेम करेंगे, तो ये ए रिंग है, इसके बाहर एक डबल बॉन्ड है, एक हो गया, और एक इस साइड भी एक डबल बॉन्ड है, मतलब दो होंगे, मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने, दो है, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 नैनोमीटर हुआ। अब पोलर ग्रुपिंग तो है ही नहीं, तो 0 नैनोमीटर। आप टोटल मारो, 10 + 20 = 30 हो गया, 30 + 30 = 60 हो गया, 60 + 4 = 742, ये आपका लैम्बडा मैक्स, 60 + 214 करेंगे तो आपको 274 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। अब सेम इसका निकालिए, मैं इसका इधर निकालता हूँ, चलो मैं जानबूझकर ही निकाल लेता हूँ। ये होमो एनुलर है, होमो होमो एनुलर,
253 नैनोमीटर, क्योंकि डबल बॉन्ड इन सेम रिंग है और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। हाँ देखो, ये अपना पेरेंट हो गया और ये आगे एक्सटेंड हो गया है, तो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आया जो कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है डाइन से। देखो ये अपना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड ये पेरेंट्स को, तो हम एक पक अपना 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और रिंग रेसिड्यू देखेंगे, 1 2 3 4, चार रिंग रेसिड्यू है। देखो ये एक रिंग रेसिड्यू, ये 4 रिंग रेसिड्यू, 4 × 5 20 नैनोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, 0 नैनोमीटर। उसके बाद आप देखेंगे पोलर ग्रुपिंग भी नहीं है, 0 नैनोमीटर। टोटल करिए 20 + 30 50 हो गया, 50 + 2 53, 303 नैनोमीटर। ये इसका लैम्ब्डा मैक्स, देखो उसमें ऑब्जर्वेशन है 303 नैनोमीटर पूछा, तो वही आया 303 नैनोमीटर ही आ गया। अभी हम इसका भी निकालेंगे। देखो ये डबल, देखो ये डबल डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, मतलब ये होमो हो गया और ये रिंग के बाहर है। अगर हम इस ये डबल बॉन्ड और ये डबल को पकड़ेंगे, पेरेंट तो ये हेटरो होता है, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड पकड़ेंगे तो होमो होता है। आपको मालूम है कि होमो की वैल्यू 253 है, तो हायर द वेवलेंथ हायर द लैम्ब्डा मैक्स हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसको हम होमो कंसिडर करेंगे, होमो, क्योंकि होमो की वैल्यू ज़्यादा है 253 नैनोमीटर, और हेट्रो की 214 है, इसलिए हम हेट्रो नहीं कंसिडर करते, हम इसे पेरेंट कंसिडर करेंगे होमो वाले को। अभी आप देखते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, हाँ देखो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो हम इसे 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। जब एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन रेंज में रहता है तो हम 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे, क्योंकि इधर एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। अभी रिंग रेसिड्यू देखेंगे, रिंग रेसिड्यू देखिए, नहीं ये अपना अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन चार, ये 4 × 5 नैनोमीटर, ये कितना हो गया 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर। अभी आप ये है अपना अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, कितना है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक है, तो 5 नैनोमीटर। और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हाँ है, देखिए ये रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 नैनोमीटर। पोलर ग्रुपिंग है नहीं है, 0 नैनोमीटर। अभी आप टोटल करो, 5 + 5 10, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 2 53, ये हो गया 313, जो आपका लैम्ब्डा मैक्स। अभी इधर पूछा क्या आता था, ऑब्जर्वेशन है 303 नैनोमीटर, मतलब आपका ये आंसर है, क्योंकि इसका वैल्यू 303 आया। और आप और एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग कुछ है, मैच द फॉलोइंग, ये स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर दिया है, और ये दिया है, और आपको इधर वैल्यूज़ दिए 270 275 282 और 245 नैनोमीटर और 321 नैनोमीटर, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा।